दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज चूंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, ऐसे में आपके लिए ऐसी कहानी लाना आवश्यक है जो तंत्र मंत्र की सिद्धियों से भरी हुई हो और जिसमें सच्चाई हो, साथ ही साथ वो अद्भुत साधना के बारे में बताती हो। तो ऐसे ही एक, जब मैं उत्तराखंड में था वहाँ एक कहानी मैंने सुनी थी। एक साधक थे तो उन्होंने माता कालरात्रि की साधना की थी और उन्होंने केवल नवरात्रि में ही उनको सिद्ध किया था और उनके बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त की थी। उनके पास लगभग सभी प्रकार की दुर्लभ सिद्धियाँ उनको हो गई थी और इसी वजह से फिर वो उस जगह से धीरे धीरे करके वो गायब हो गए। वो मतलब अपना स्थान छोड़ गए और वन में जा कर के रहने लगे या ऐसे प्राचीन गुफाओं में जाकर साधना करने लगे कि जिससे की वजह से फिर बाद में उनका कुछ भी अता पता नहीं चला कि आखिर वो गए कहाँ। लेकिन उनकी जो ये साधना है, उस साधना के बारे में जो कहानी आती है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो वो, उनको हम बालक जी बोलेंगे। तो बालक जी जो थे वो साधक थे, बहुत अच्छे साधक थे और उन्होंने कहा था अपने गुरु से कि मुझे ऐसी कोई साधना सिखाई, ऐसी कोई देवी कही जिनकी सिद्धि प्राप्ति की जा सके, वो भी नवरात्रि में ही केवल पूरी तरह से उनको सिद्ध किया जा सके। तो उनके जो गुरु जी थे उन्होंने कहा था कि अगर तांत्रिक तरीके से देखा जाए तो नवरात्रि में केवल माता कालरात्रि ही हैं जिनको आप सिद्ध कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाकी देवियों को सिद्ध करना आसान नहीं होता, काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इनको सिद्ध किया जा सकता है, अगर तुम चाहो तो यह कर सकते हो। तो उन्होंने उनसे जो है मंत्र प्राप्त किया था। मंत्र सभी लोग जानते हैं, इस मंत्र को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक वेणी जपान कर्ण पूर्णा नग्ना खरास्था लंबोष्ठी कर्णी कारणी दैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादोल्लत सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्द ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ये जो उनका मूल मंत्र है माता का, जो आपको हर जगह मिल जाता है, इसी मंत्र को उन्होंने उनको दिया था और कहा था कि इस मंत्र का जाप तुम्हें रोज 9000 की संख्या में करना है और नवरात्र की जो नवमी आएगी उस नवमी तक माता के दर्शन आपको हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो विधि बताई थी वो इस तरह से थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बालक जी को जब साधना के संदर्भ में बताया गया तो उनके गुरु जी से जब वो मिलने गए तो उन्होंने जब बताया कि कहाँ से आप ये साधना वगैरह आप करवा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि एक शिल्प प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसका तांत्रिक पाठ उसमें होता है सौदिकागम नाम से, तो उसमें माता कालरात्रि की जो है पूजा उपासना का वर्णन वगैरह मिलता है। उनकी साधना से जो है सहस्त्रार चक्र भी खुल जाता है, इसीलिए माता की महिमा बहुत ज़्यादा है। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, भयंकर दिखती हैं लेकिन स्वयं इनको शुभंकरी कहा जाता है, यानी कि केवल और केवल इनकी साधना से शुभता की प्राप्ति होती है, 100% आपको सफलता मिलती है। इसलिए माता की साधना आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप भयभीत जो होते हैं किसी भी चीज़ से, वो भय आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, ग्रह बाधाएं आपकी नष्ट हो जाएंगी। किसी प्रकार का भी भय हो, चाहे अग्नि भय हो, जल भय हो, जंतु भय हो, शत्रु भय हो, रात्रि भय हो, सारे भयों को नष्ट कर देती हैं माता। इनकी साधना में इतना ध्यान रखना चाहिए कि मन वचन काया पूरी तरह से पवित्र होनी चाहिए, तभी इनकी साधना सफलता की ओर लेके जाती है। और जैसे कि हम उनके स्वरूप को जानते हैं कि किस तरह का इनका स्वरूप होता है, वो कहते हैं कि इनकी जो है श्वास प्रश्वास, मतलब कि अपनी जो सांस लेती हैं उस सांस से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं इनकी नाक के द्वारा आग निकलती है। इनका जो वाहन है गर्दभ है और ये उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा धारण करते हुए देखती हैं और इनके जो लोहे का काटा इनके हाथ में है, खड़ग इन खप्पर जो है इनके हाथ में है, इसकी वजह से ये भयंकर प्रतीत होती हैं। हृदय में अवस्थित होती हैं, यानी हृदय में निवास करती हैं और सभी प्रकार के भयों से नाश करने वाली, शुभ देने वाली कहलाती हैं, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी कहा जाता है। तो माँ की जो साधना है, अब जैसे दुर्गा सप्तशती में इनका मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः, यानी कि आप कालरात्रि के रूप में विद्यमान है। इनका एक और मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रि नमः। तो इस तरह से माता के बहुत सारे नाम और स्वरूप वगैरह आते हैं। तो माँ की महिमा तो आप जान ही चुके हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इस तरह से उनको बताया और फिर कहा कि आपको इसके लिए एक गधा ढूंढना होगा जो मरने वाला हो। तो
तो उन्होंने उसके लिए एक गधा ढूंढा जो मरने वाला था, और फिर उस साधना को नवरात्रि से करने के बारे में सोचा गया। गधा का जब मर गया तो उस गधे की खाल के ऊपर बैठ करके ही उनको साधना करनी थी। तो उन्होंने ऐसा स्थान सुना है कि जहाँ पर शमशान हो, यहाँ पर लाशें जलाई जाती हों, और उस स्थान पर आपको गर्दभ की जो यानी कि गधे की जो खाल है उसको बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके आपको साधना करनी होगी, हड्डियों की माला लेनी होगी। तो उन्होंने मनुष्यों की हड्डियों की माला एक जो है वो निर्मित करके जो है उनके पास पहले से रखी थी, और इस तरह की मालाएं बहुत सिद्ध मानी जाती हैं। तो वो माला उनको दी और कहा कि केवल 9000 मंत्रों का जाप आपको रोज करना है इनके, और इस मंत्र को जाप करते हैं और साथ ही साथ 9वें दिन आपको हवन कर देना है। बहुत ही सरल विधि उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था ठीक है जाके करिएगा। तो उन्होंने बाद में जो अपने गुरु को बताया और गुरु के माध्यम से बाकी लोगों तक ये कहानी पहुंची, तो क्या क्या हुआ था उस साधना में, आज से लगभग ये 200 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। ये वो जमाना था जब अंग्रेजों का समय हुआ करता था, और बहुत ही छोटे छोटे उनके वो जगह होती थी और पूरा जंगली इलाका होता था। तो उस जगह पर एक शमशान घाट था, वहीं पर बैठ के उन्होंने अपने गुरु से साधना ली थी, और उनके शिष्यों से होकते हुए कहानी जो है हम लोगों तक पहुंची, और उस आदमी को मैं बता रहा हूं। तो जिस प्रकार उन्होंने साधना शुरू की, साधना का पहला दिन आराम से उनका कट गया, कोई समस्या नहीं आई। और अगले दिन जब रात्रि को यानी कि नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है, उसी दिन वहाँ पर उनको घोड़े जो खच्चर होते हैं या ये कहीं गधे होते हैं, इनकी आवाज़ रंभने की, जिस तरह से चिल्लाते हैं उसी तरह से चिल्लाने की आवाज़ चारों तरफ फैलने लगी थी। जब वो जाप कर रहे थे चारों तरफ ऐसी आवाज़ें भयंकर आवाज़ें से निकल रही थी, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रंभा रहे थे, लेकिन इन्होंने साधना अपनी नहीं छोड़ी, वो साधना करते रहे। इसी तरह से उनका दूसरा दिन साधना का कंप्लीट हुआ था। तीसरे दिन उनको अचानक से वहाँ पर नीले रंग की जो है लाइट्स जैसे होती हैं, जैसे कि अपने फ्लैश लाइट्स देखी होंगी, तो वो नीले रंग की लाइटें जो है चारों तरफ उनके इधर उधर घूम रही थी, और उनकी वजह से जो भी चारों तरफ जब वो घूमती थी तो हवाओं में अलग तरह की एक जो है आवाज़ सी निकलती थी, और उनमें जैसे मंत्रों का जाप करके चीज़ें निकलती हैं उसी तरह से उस तरह के शब्द वो प्रकट होते थे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है। उन नीले रंग की जैसे जुगनू होता है उस तरह से एक लाइट होती थी, तेज़ी से इधर उधर जाती थी और वो चारों तरफ एक वातावरण सा पैदा कर देती थी कि जिसको देख करके लगता था कि हाँ चारों तरफ सुरक्षित है, सारा दुनिया मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ वो जगह। तो बालक जी जो है बहुत ही ज़्यादा इस बात से खुश रहते थे कि उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कोई शक्ति सी है जो नीले रंग की ऊर्जा है वो चारों तरफ चमक के रूप में आकर के रक्षा कर रही है। उसके अगले दिन वहाँ पर एक उन्होंने भयंकर आवाज़ सुनी जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा है, और वो चिल्ला रहा है कि उसका शरीर फाड़ा जा रहा है। तो चौथा दिन था, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके किसी आदमी का शरीर फाड़ा जा रहा है, शायद जैसे लग रहा है जैसे कि कोई शेर जो है वो आदमी का शरीर फाड़ के खा रहा है। उन्होंने साधना करते करते अपनी आंखें खोल दी और सामने देखा तो सच में वहाँ पर एक आदमी था, और उसके वो जिंदा था मतलब मरा नहीं था, और उसके पैर को और जांघ को जो है सिर फाड़ फाड़ के जो है उसे खा रहा था। तो वो आदमी हिलडुल भी नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था दर्द के मारे, और वही उसी के दर्द को स्वर को सुन करके ये आश्चर्य से पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि साधनाएँ जितनी भी होती हैं साधनाओं के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई माया हो। शेर ने भी एक नज़र जो है इनकी तरफ देखा, उसके मुंह से पूरा रक्त गिर रहा था, बहुत ही भयानक रूप था उसका, उसके मुंह में पूरा खून लगा हुआ था, वो इनको इस तरह से घूर रहा था जैसे कि अगर तुमने मुझे रोका या मेरे खाने के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न किया तो मैं तुम्हें इसी क्षण जो है अभी आकर के मार डालूंगा। शेर मतलब इस नज़र से देख रहा था क्योंकि वो अपना भोजन कर रहा था, कोई भी जब जीव भोजन करता है तो कोई किसी तरह का उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि कोई आकर के कोई दूसरी चीज़ जो है उनको किसी तरह से भी उसमें डिस्टर्ब करे। तो अगले दिन जब ये साधना करने लगे तो इस तरह से वो दिन भी बीत गया, और उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शेर क्या कर रहा है, और वो अपना मांस खाता रहा और आदमी को लेके चला गया। उसके बाद फिर अगला दिन इसी तरह होता गया, और जब सातवीं रात आई तो सबसे ज़्यादा वही दिन उनके लिए भयंकर था, सबसे ज़्यादा अद्भुत जो है एक नज़ारा दिखाने वाला था। तो उस दिन क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति उनके साथ हो गई। तो पहले तो सबसे पहले जब उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू किया तो मंत्र का जाप करते करते अचानक से
उनके जो मंत्र थे वो ऐसे निकलने लगे जैसे कि गधा जो होता है चिल्लाता है, तो उस तरह ही उनके मुंह से मंत्र निकल रहे थे। मंत्र वही निकल रहा था लेकिन वो उनका जो मुंह था ना वो पूरा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कि गधे का हो गया, और वो गधे की तरह से ही आवाज़ निकाल रहे थे। मंत्र जो जप रहे थे वो मंत्र गधे की आवाज़ में निकल रहा था। वो कुछ भी कर रहे थे, अपने गले को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो संभल नहीं रहा था, तो मंत्र बिल्कुल वैसे ही निकल रहा था जैसे एक गधा रंभाता है, उसी तरह बिल्कुल मंत्र उसी तरह से, आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसी तरह का उनका गर्दन से पूरा हिस्सा ऊपर का ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। बड़ी मुश्किल में वो मंत्र जाप कर पा रहे थे। मंत्र का जब जाप करते बोलते तो बिल्कुल ऐसा लगता जैसे कि गधा रंभाते हुए वो मंत्र बोल रहा है, तो गधा की आवाज़ में पूरी तरह से वो मंत्र निकलता था। और इसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी देर में बहुत सारी संख्या में उन्हें ऐसा लगा जैसे कि गधों की एक पूरी फौज जो है वहाँ से गुजर रही है, और उनके चलने से जो धूल वगैरह जो उड़ती है बहुत ज़्यादा, वो तेज़ी से चारों तरफ धूल उड़ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा इस बात के लिए देख रहे थे कि कितनी अधिक धूल हो गई, चारों तरफ उनके धूल ही धूल थी उस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर वो साधना कर रहे थे। गधे इधर से उधर, उधर से इधर बड़ी तेज़ी में दौड़ रहे थे, और उनके दौड़ने से जो धूल उड़ती है या यूँ कहे कि जो पैरों की जो आवाज़ आती है, खुरों की आवाज़ आती है, वो भयंकर रूप से चारों तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके सिर में जैसे खोपड़ी पे कोई मार रहा हो उनके सिर पे खुरों से, जैसे खुरों से मारा जाएगा, अगर कोई जानवर के खुर से आपके सर पे मारा जाए तो कितना दर्द होगा, उसी तरह से उनको ऐसा महसूस हो रहा था। और उधर गर्दन से ऊपर का हिस्सा उन्हें ऐसा लगता जैसे कि उनका पूरे गधे का हो गया है, और उसको जाप करते हुए बोल देख रहे थे, और जो शब्द निकलते थे वो सब सुनते थे। उनको तो उन्हें स्वयं ही इस बात के लिए जो है आश्चर्य होता था कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं तो गधे की आवाज़ में मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक विशालकाय स्त्री उनको दिखाई पड़ी जिसके जो केवल मुंह था, और मुंह में बड़े बड़े जो थे वहाँ पे उनके दांत थे, और वो लगभग हजारों लाखों की संख्या में आदमियों का भक्षण कर रही थी। मतलब लाखों की संख्या में उनके मुँह के अंदर सीधे ही कोई भी आदमी था वो घुस जाता था और उसको चबा जाती थी, तो वो पूरा रक्त जो है उसका नीचे गिरता था मुंह से। वो विशालकाय चेहरा था, वो उनका कहना है कि जैसे कि जैसे बीसों पचासों पहाड़ जैसे एक जगह में इकट्ठे कर दिए जाएं, उतना विशालकाय वो मुंह था, और उस मुंह में लाखों की संख्या में लोगों के शरीर जा रहे थे, आदमियों के शरीर जा रहे थे। वो उनको चबाती थी वो जो है भयानक स्त्री, और वो जितना भी उसका खून होता था वो ज़मीन में गिरता था। इतना भयानक रूप देख करके इनको डर लगने लगा, इनको भय हो गया इतना ज़्यादा, उस बात के लिए सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, साधना अगर कर रहा हूँ तो करते रहूँ, भले मेरी आवाज़ नहीं निकल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, फिर भी मैं इस साधना को अवश्य ही करता रहूँगा। तो अगले दिन जब उनकी आठवीं दिन रात आई तो वहाँ पर उन्हें फिर बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियाँ वहाँ दिखाई देने लगी जो श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए थी, बहुत ही सुंदर थी सबकी सब, और हवा से लगभग 2 फुट 3 फुट की ऊंचाई पर वो जो है सब उड़ रही थी। तो चारों तरफ उन्होंने फूलों की वर्षा सी कर रही थी, चारों तरफ वैसा वर्षा सी हो रही थी फूलों की, तो वो उनको देख करके बहुत ही आनंदित हुए। आज उनकी साधना में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा था, ये अष्टमी की रात थी और चारों तरफ का वातावरण अत्यंत ही सुंदर हो गया था। बहुत ही ज़्यादा उन्हें इस बात से आनंद प्राप्त हो रहा था कि ये सब क्या है, और इसी प्रकार वो मंत्र का जाप करते रहे। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी एक स्त्री आई और उसने कहा कि जो मंत्र तुम जाप करते हो उसको जो है मेरे लिए पढ़ो। तो इन्होंने उसे कुछ नहीं बोला और अपना वो मंत्र का जाप करते रहे। फिर उसने दोबारा से कहा तो उसने कहा कि अब तुम अपनी आवाज़ खो दोगे, तुम्हारी गर्दन में अगर कील चुभ हुई जाएगी तभी तुम्हारी आवाज़ निकलेगी, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया और इस प्रकार उन्होंने आठवीं रात अपनी साधना संपन्न के लिए। इसके बाद नवी रात थी, जब आई जैसे ही वो मंत्र पढ़ने के लिए बैठे तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। अब वो इस बात से बड़ी ज़्यादा घबरा गए कि ये क्या हो गया, कल ऐसा तो नहीं कि कहीं जो स्त्री थी वो कोई देवी स्वरूप थी, मैंने उसकी बात को नहीं सुना बिल्कुल भी, इस वजह से ऐसा हुआ और मैं जो आज मुझसे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। उनकी गर्दन में बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो उनके मंत्र वो मंत्र ही नहीं निकल पा रहे थे, वो बोलने की कोशिश करते थे मंत्र निकलते, और ये नवी रात्रि थी, आखिरी रात्रि थी, अगर ये साधना नहीं पूरी वो करते 9000 मंत्र जाप नहीं करेंगे तो उन्हें सिद्धि नहीं मिलने वाली थी। अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो उन्होंने फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है उन्होंने त्याग किया, बहुत बड़ी एक चीज़ की, और मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक
सुई लंबी सी लेके आए उन्होंने, वो बड़ी सी लुई सुई जो है अपने गर्दन में कुछ चुभा दी अंदर तक, और फिर उनके मंत्र निकलने शुरू हो गए और वो उस मंत्र को जाप करते रहे, और मंत्र को इस प्रकार उन्होंने 9000 पूरा किया। जैसे 9000 मंत्र पूरा किया और फिर उन्होंने उसके बाद में फिर वहीं पर बैठ करके, सुबह बिल्कुल होने वाली थी, बिल्कुल सुबह हो चुकी थी, लगभग प्रकाश निकलने का था, तब उन्होंने हवन शुरू किया। हवन की तीसरी या चौथी आहुति थी तभी अग्नि जो जिस अग्नि से वो हवन कर रहे थे, जिस अग्नि में हवन करना जा रहे थे, वहीं पर उसी में से जो है माता कालरात्रि प्रकट हो गई। वहाँ पे उन्होंने साक्षात उनको जो है हवन कुंड में दर्शन दिए और कहा कि पुत्र मैं तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती हूँ। और उनके बीच जो भी बातें हुई होंगी ये बात का पता नहीं चलता क्या बातें हुई थी, लेकिन उनको उस दिन बहुत सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिल गई। इसके बाद उन लोगों का उन्होंने उनको सिद्धि मिली, माँ के दर्शन हुए और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने वो जिसका भी जिसको भी जो भी कह देते थे वही हो जाता था, जो कह देते थे कि हाँ आज ये ऐसा होना चाहिए वैसे ही हो जाता था, तो लोग उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने लगे। इसी वजह से लोग कहते हैं कि उन्होंने वो जगह छोड़ दी और उसके बाद फिर गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखाई पड़े। कहाँ गए, क्या क्या हुआ उनका, इसके बारे में कोई वर्णन या विवरण नहीं है। तो इस तरह से माता की जो सिद्धि है वो सिद्धि चमत्कारिक रूप से उन्हें हो गई थी और माता कालरात्रि उनसे सिद्ध हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी जो बहुत मतलब उनकी पीढ़ी में गुरु जो उनके गुरु थे उनकी शिष्य थे उनमें से कई शिष्यों ने उन्हें आकाश में गधे के ऊपर बैठे हुए उड़ते हुए देखा है, कई बार उनको इधर से उधर जाते हुए और बहुत ही प्रकाशमान अपने आप को उनका स्वरूप उनका दिखाई पड़ता था। तो इस तरह से देखिए अगर आप माता की साधना करते हैं तो उन्हें अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिल जाती हैं और ज़िंदगी में वो कुछ भी करने की सामर्थ्य उनके अंदर हो जाती है। इस तरह की महानतम सिद्धियाँ उनको माता दे देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, उनकी साधना अनुभव पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।